रिकॉर्ड करूंगा ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा, इसमें क्या है मेरे को डाउनलोड करके अपलोड करना पड़ेगा अच्छा हाँ चैनल में। चलो कोई इशू नहीं कर देंगे। ओके सर। ठीक है तो मैं ये कह रहा था कि इसमें एजुकेशन में क्या इशू आ रहा है इनके। लड़की इंजीनियरिंग किया था पर अभी लास्ट ईयर एग्जाम थी तो उसने बोला मुझे नहीं करना है, तो एग्जाम को देने ही गई नहीं वो। और वहां से उसने यू टर्न ले लिया और बोलते अभी मैं यूपीएससी एमपीएससी ट्राई करूंगी। उसका डिप्लोमा इंजीनियरिंग हो गया, डिग्री का लास्ट ईयर बाकी है, लास्ट लास्ट पेपर ही बाकी है सिर्फ, तो गई नहीं हो। बोले मुझे इंटरेस्ट ही नहीं, बोले इसमें अपने मुझे जबरन जबरन ये एजुकेशन करने लगा रहे। बोले लड़कियां का इंजीनियर रहती क्या? बोले कहाँ सक्सेस होती है, ऐसा चल रहा था। उसको सिविल इंजीनियरिंग करवाया था सर हमने, उसको 10th को अच्छे मार्क थे तो 10th बेसिस पे उसका मिल गया। तो बोला फिर उसका ऐसा चल रहा था कि भाई पहले 10th करेंगे, 10th के बाद 11, 11 के बाद 12 करेंगे, 12 के बाद देखते हैं, कोई ऐसा चल रहा था। तो मैंने बोला अभी इंजीनियरिंग को लग ही रहा है, अपने को फ्री में मिल रहा है तो ले लो ना एडमिशन, आगे जाएंगे और वापस उसके बाद में इंजीनियरिंग करने, उससे तो पहले अभी से चालू कर देते हूँ। तो वो एट दैट टाइम वो रेडी थे, फिर वो बाद में कहाँ से यू टर्न आ गया कोई समझ में नहीं आ गया। ओके तो अभी एजुकेशन ये आउट ऑफ कंट्री कर रहे हैं यहाँ पे, नहीं मतलब नहीं घर पे ही कर रहे हैं, मगर यूपीएससी एमपीएससी कर रहे हो तो ये रीडिंग वगैरह करते रहते, किताबें वगैरह काफी लेके आइए, वही चलते रहता सुबह 4-5 घंटा, रात को 4-5 घंटा, ऐसा चलते रहता दिन भर। एक मिनट। ओके हाँ तो हेलो सर। हाँ जी, इसमें ऑडियो और वीडियो ठीक आ रही है। ओके हाँ जी अभी ठीक है। तो हमें अभी ये हायर एजुकेशन का ही है ना, आपका भी हायर एजुकेशन का ही है। हाँ, हायर एजुकेशन। हाँ तो हायर एजुकेशन के लिए हमें 9th हाउस देखना है। ठीक है, मैं अच्छा अगर आप पिछला वाला वीडियो देखोगे, रिकॉर्डिंग देखोगे, तो मैंने ये बताया था जब भी 5वें घर में मल्टीपल प्लैनेट्स हो जाते हैं तो वहाँ पे एजुकेशन हो या कुछ भी हो लाइफ में, तो 5वां घर इंटेलिजेंस है, जी जब भी मल्टीपल प्लैनेट उसमें कनेक्ट होगा तो हमें डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आएगी। अच्छा कभी हमें ये लगेगा चलो ये अच्छा है, कभी हमें लगेगा वो अच्छा है। अच्छा प्लस इनका 9th हाउस सब लॉर्ड केतु है, जी हाँ वो प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, जी जितनी हाँ भी आप कर लो एजुकेशन में यहाँ पे कमी लाएगा। ठीक जी हाँ है, तो यहाँ पे केतु की रेमेडी करनी चाहिए आप लोगों को एजुकेशन को अच्छा करने के लिए। फिर केतु बुध में है, बुध और केतु की बनती नहीं है, केतु बुध के स्टार में है, हाँ बुध और केतु ही कभी नहीं बनती है। अच्छा जहां बुध और केतु कुंडली में एक हो गए दोनों ही खराब हो अच्छा तो रेमेडी क्या करूं सर केतु की? जो आपने पीछे बताए थे वही कैमरा वगैरह तो लगा लिया घर पे। गए। नहीं, यहाँ पे कैमरे वाली रेमेडी काम नहीं करेगी, यहाँ पे अच्छा बुध और केतु को अलग करना पड़ेगा, इसमें यंत्र रेमेडी काम करेगी, इस पे अच्छा करता। यंत्र रेमेडी। हाँ इसमें एक्चुअली क्या, बुध और केतु को अलग करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, इसका एक इलाज मैं बताता हूँ, वो करके देख जी लो। बताइए। ठीक है, अगर उससे फर्क आ गया तो ठीक है, नहीं तो इसमें खर्चे वाली रेमेडी काम करेगी। कुत्ता नहीं ठीक है बताइए सर। आपके घर में है ही, कुत्ता है? उसकी पूंछ कटवा दो। हाँ अरे बाप रे, काफी बड़ा है सर, अभी वो छोटा थोड़ी बच्चा रहा। ये डिसीजन आपको लेना है। अरे ऐसा बाप क्यों बोल रहा हूं, कुत्ता जो है वो केतु है हाँ और पूछ जो है बुध है, तो दोनों को अलग करने के लिए हमें उसका पूछ कटवाना है, वो अलग हो जाएगा। अच्छा। अरे बाप रे, वो तो कभी उसके इतने लवली डॉग है वो, उसने ही लेके आई है वो। इसके लाइफ में प्रॉब्लम वही है, बुध और केतु एक साथ में।
अच्छा, एक कुत्ता वगैरह किसी को दे दूं सर तो चलेगा? नहीं, उससे फर्क क्या होगा, उससे फर्क कुछ होगा ही नहीं। नहीं, जैसे अपने घर में है तो दूसरे को दे दिया तो नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, बुध क्या? ग्रह के चार्ट में फिर भी है, इनके हाँ पास ना, ऐसा कुत्ता होना चाहिए जिसका आप पूछ काटते, वैसा कुत्ता होना चाहिए इनके पास। नया कुत्ता लाना पड़ेगा फिर। ये तो फिर भी रहेगा। अरे सर, अभी ये जो पेट है मेरे घर में, ये तो नहीं नहीं मैं एक बात समझ रहा हूँ, इट इज वेरी डिफिकल्ट, कहना बहुत डिफिकल्ट आसान है। होता है अच्छा लेकिन सिचुएशन ऐसी बन जाती है, ग्रह करने नहीं देते। हाँ हाँ ना, वही तो बहुत मुझे तो बहुत ही बुरा लग रहा है। तो या तो ये रेमेडी करेंगे या तो इसमें यंत्र रेमेडी काम करेगी, क्योंकि इन दोनों को अलग जब तक नहीं करेंगे इनकी कुंडली बर्बाद है, दिक्कत वाली है। अच्छा बुध केतु दोनों ही, देखो बुध दिमाग है, बुद्धि है, हाँ। इंटेलिजेंस है, और केतु जो है इसको उसको काटता है, डिटैचमेंट है, केतु डिटैचमेंट है, दोनों अच्छा के काम ही एकदम अलग है। दोनों अगर आप एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से बात करें, लाल किताब की बात करें, तो बुध जी और केतु छठे घर में है, हाँ छठा घर बुध का भी है केतु का भी है, हाँ जब वो दोनों आ गए वहां पे तो ये बर्बाद कर देंगे। ये अभी फिर राहु 12वें में चला गया, राहु 12वें में मतलब जुपिटर खराब, ठीक हाँ है, ठीक है, वो एक खराब हो गया, शनि जी छठा वो भी खराब होता है, ठीक हाँ है, कहीं ना कहीं इनके लाइफ में कोर्ट कचहरी की भी दिक्कतें आएंगी, इनको कोर्ट में भी जाके चक्कर काटने पड़ेंगे। हाँ अच्छा बुध और केतु कहीं भी आएंगे तो खराब होता है ना, कहीं भी आएंगे दोनों साथ में खराब कि मैं भी किसी को जानता हूँ जिनके 10वें भाव में है, एंड दे आर रियली सफरिंग, तो है। बुध केतु कॉम्बिनेशन बैड। वहां पे भी ये रेमेडी काम करेगी आपके हिसाब से। अच्छा हाँ, कुत्ता पालो, कुत्ते की पूंछ कटवा दो, दोनों को अलग करना है हमें। जी अगर दोनों अलग नहीं होंगे या तो यंत्र रेमेडी करो, फिर यंत्र रेमेडी हम क्या करेंगे, दोनों मतलब जिस जातक का हो उस जातक का यंत्र बना, उस जातक के नाम से दोनों यंत्र बनाएंगे, दोनों यंत्र को पूजा करके दोनों यंत्र को अलग अलग जल प्रवाह करेंगे। अच्छा सर, यंत्र रेमेडी कर सकते हैं? हाँ, तो लेकिन उसमें खर्चा आएगा 50-60 हज़ार रुपये का, अच्छा कर तो सकते हैं, कर सब कुछ कर सकते हैं। अभी हमारे यहाँ तो दो पेट है सर, एक मेल एक फीमेल वो दो है ना, और केतु मल्टीपल, एक और ले आओगे आप, छठा अगर पेट का होता है, बुध जी हाँ और केतु जुपिटर की राशि में, छठा अगर ले रहे हैं। एक कुत्ता लाने की भी एक स्टोरी सर बता दूं। बताइए। अरे अभी कैसा है, मुझे एक बच्चा और एक ही बेटी है, वो ऐसे बैठे बैठे हम लोग चाय पी रहे थे तो बोलती थी, पापा बोले आगे बोले दादा की शादी हो जाएगी, दादा अलग चले जाएगा, मेरी शादी हो जाएगी, मैं अलग चलूंगा चले जाएगा, और अपने घर में कोई छोटे बच्चे ही नहीं बोले। मैं ऐसी करती बोले, अभी अनाथ आश्रम जाती हूँ और कोई लड़की लेके आ जाती बोले, वो आप जब बूढ़े हो गए ना बोले तब आपके लिए वो आपके साथ रहेगी वो लड़की, ऐसी उसकी सोच थी। तो न जाने से लड़के ने कैसे भी कुत्ता लेके आया, बोले चलो, तो उसमें से वो उसके साथ उसका अटैचमेंट ज्यादा हो गया, मैंने फीडिंग फीडिंग मेडिकल जो ट्रीटमेंट वगैरह रहती वही देती है, सारी चीजें वही करती है, ऐसा काम है उसका। मैं बोला चलो यार, लड़की लेके आती थी उससे तो अच्छे कुत्ते ठीक है, क्योंकि तो बोले घर में छोटे छोटे बच्चे नहीं, हमको खेलने को बोलने को कोई है ही भी नहीं, बोले ऐसा है। अभी क्या करना, उसका सोच का बहुत ही ट्रिमंडस कर देती वो मुझे, मैं अभी क्या करूं। मैं ओके सर, चट्टा आउट जो रहता है ये यूपीएससी एमपीएससी के लिए भी अच्छा रहता है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम? यहाँ पे देखो, नाइन्थ ऑफ सब लॉर्ड केतु ले रखा है, हायर
स्टडीज के लिए यहाँ पे केतु प्रॉब्लमेटिक है, केतु और बुध को अलग करना है, ये अगर नहीं कर पा रहे हो ठीक है, फिर केतु की स्पेसिफिकली रेमेडी करो, क्योंकि अब दिक्कत क्या है कि एक तो ये दोनों कॉम्बिनेशन में है जी ठीक है, हाँ प्लस केतु का स्टार लॉर्ड भी बुध ही है, हाँ ये डबल प्रॉब्लम हो गया ना, डबल जुड़ाव हो गया, इनको अलग करना बहुत जरूरी है। देखते हैं सर, डॉक्टर से एक या पूछ तो एक के। का या तो एक और काम करके देख लो ठीक है। अरे हाँ सर बताइए कौन सा है। और तीन छोटे छोटे पुलिया बना लो, छोटे छोटे बनाना उसके साबुत तीन मूंग के हरे वाले ठीक हाँ है, साबुत मूंग के हरे वाले तीन पुड़िया बनाना। तीन जी हाँ पुड़िया मतलब जूट वाले बैग होते हैं ना छोटे छोटे, हाँ जूट वाले बैग ले लेना, उसके जूट वाले छोटे पुड़िया बनाना ठीक, जी और उसमें थोड़ा थोड़ा करके वो डाल देना साबुत मूंग हरे हाँ वाले, जी हाँ और बहते हुए पानी में लड़की के हाथ से बहा दो, एक अच्छा चलेगा एक साथ बहाना, हाँ तीन पुड़िया एक ही साथ बहाना। हाँ जी हाँ ये समुद्र में भी डाल सकते हैं। बहता हुआ पानी होना चाहिए, वो समुद्र भी पानी है और रिवर भी पानी है। तो सर पेपर की पुड़िया भी बना सकते हैं। पेपर की बना लो, ओके ऐसा पेपर जो डिसॉल्व हो जाए वो भी चलेगा। ओके, लेकिन रेगुलर पेपर है ना। ये जूट बोलो तो बारदान वगैरह बोलते वही ना सर, हाँ, उसकी मतलब पानी पुड़िया। अंदर चला जाए, घुल जाए और बह जाए, ऐसा हमें चाहिए। हाँ ठीक है। या कच्ची मिट्टी का जो वो है, क्या कहते हैं, कच्ची मिट्टी का बर्तन मटका या छोटा सा मटका, हाँ उसमें साबुत मूंग भर के पानी में बहा दो लड़की अच्छा, को। वो भी तीन ही बहाने पड़ेंगे सर फिर। अच्छा तीन नहीं बनाने, वो एक ही बना लो। उसको कुछ बुधवार के दिन करना है या ऐसे कुछ है, या एनी डे? एनी डे किसी भी दिन। यहाँ पे मेन हमारा टारगेट ये रहेगा, इस पे बुध केतु को अलग करना, यहाँ पे जी शनि को हाँ ठीक करना ठीक है, हाँ यहाँ पे सूर्य भी अच्छा नहीं है, यहाँ पे मंगल भी अच्छा नहीं है, राहु यहाँ अच्छा नहीं है, इतने सारे ग्रह तो प्रॉब्लम है इसमें, जी शुक्र यहाँ खराब है। इन इस लड़की को बोलो लड़कियों से अच्छी बना के रखे, लड़कियों से झगड़ा करती होगी ये। अरे किसी की जमती नहीं, उसकी दोस्त भी नहीं है कोई, फ्रेंड्स भी नहीं। मैंने उसकी कजिन कजिन सिस्टर है, उससे भी बात करेगी तो इसको ज्यादा ईगो आता है। मैं वही कह रहा हूं, इसकी किसी भी लड़की से बनेगी नहीं, इसको बना के रखना है। जी हाँ उसको मैं वही बोलता हूँ कि दोस्ती बनाओ, कहीं फ्रेंड्स बनाओ, कहीं जाके आओ, कहीं घूम के आओ। वो घर भी छोड़ती नहीं, वो घर के घर में ही रहेगी। अगर ये लड़की उसे नहीं बनाएगी तो उसके दिक्कत आएगी। शुक्र आठवां खराब किसी का है भी होगा, उसको हाँ फीमेल से लड़ाई होगी उसकी, शुक्र फीमेल है, हाँ ये आप नोट कर लो। किसका किसी का भी आप चार्ट चेक कर लेना, जिसका भी वीनस आठवां होगा वो फीमेल से उसकी नहीं बनेगी, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, या अरे तो वो फीमेल की इज्जत नहीं करेगा या फीमेल से झगड़ा करेगा। उसके माँ बेटी का तो रोज दिन भर चलते ही रहता है कुछ ना कुछ। माता चंद्रमा है, चंद्र माता चंद्रमा या चौथा घर, फोर्थ हाउस देख लो ओके शनि है, इनकी मदर हाँ भी जिद्दी है। तो जी हाँ यहाँ पे हमें जो प्रॉब्लम लग रहा है, नाइन्थ हाउस ऑफ लॉर्ड केतु, केतु का स्टार लॉर्ड बुध और मंगल ठीक, जी हाँ ये लड़की जो है इसको आप एस्ट्रोलॉजी में डालो। हाँ हाँ अभी बोल रही थी ओके, मैं भी करूंगी बोले एस्ट्रोलॉजी, मुझे भी सीखना और ये है। करें, क्योंकि नौवे घर का सब लॉर्ड पांचवे में बैठे हैं, हाँ कंसल्टेंसी काम इसके लिए बहुत बढ़िया चलेगा, इस लड़की के लिए बहुत अच्छा, राइज करेगी, या तो वो ही काम करा दो इसको, मैं वही इसको बोला एस्ट्रोलॉजी था कर दो, टेस्ट अभी जो आप हमारे। पढ़ते हो ना वही चीज पढ़ाओ, जी हाँ वही करता हूँ सर मैं उसको। उससे इसका कंसेंट्रेशन भी बिल्डअप हो जाएगा
और चीजें भी फर्क आने लगेंगी। तो ओके इसको तो मैं देखो इसके चार्ट के हिसाब से मैं कई सारी रेमेडी बता दूंगा, लेकिन आपको एक एक करके करना है। चलेगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो केतु के लिए एक और रेमेडी आप करवा सकते हो इससे, बोलो। वो होता है पंठा, सुना है पंठा? पंठा क्या रहता है सर ये? ये एक पत्ते होते हैं जो कांटेदार पत्ते होते हैं, जिसकी वो बनती है, क्या कहते हैं, सीट बनते हैं या दरी बनती है, बैठते हैं, बहुत पुराने जमाने में यूज होता था पत्तों की। पत्तों के, ठीक है सर। उसकी दरी बनती है पत्तों की, वो किसी भी ले, वो वैसी दरी या वैसे बैठने के मोड़े बनते हैं उससे पत्तों के, अच्छा अभी पता नहीं मिलता नहीं मिलता, वो चीज आप मंदिर में डोनेट करा दो इसके हाथ से। अच्छा अच्छा चलेगा। दाब, दाब का भी आसन केतु का ही होता है ना, अगर जो घास रहती है, दाब, दाप क्या होता है? अच्छा दाब इज ऑल्सो ग्रास एक्चुअली, वो भी कुश, कुश बोलते हैं शायद, आई डोंट कुश, कुश जो है बुध है, मरकरी है। नो। अच्छा कुश इज मर्क्यूरी, काफी लोग केतु से उसको कनेक्ट करते थे। नहीं नहीं वो एक्चुअली गणपति जी को चढ़ता है ना, लोग सोचते केतु है, वो बुध नहीं है। वो धुरवा है, आप जो धुरवा नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो हम लोग अच्छा ये कुश श्राप में भी येलो यूज कलर का होता है, करते राइट राइट राइट, हैं। वो केतु हाँ है, वो केतु है, हाँ वो ड्राई होता है वो। वो मिल जाता है सब जगह एक्चुअली, वो हाँ तो वो ड्राई इजीली होता है, अवेलेबल। वो केतु है। हाँ वो केतु है। और इनके सैटर्न के लिए भी रेमेडी करनी हुई है, सैटर्न भी पांचवा और छठा ले रहे हैं, वो भी खराब है। सैटर्न के लिए क्या करूं सर? छह जूते के पॉलिश डोनेट कर दो किसी मोची को इसके हाथ से। अच्छा छह जूते पॉलिश, ठीक है सर। बट ये स्पेसिफिक हाउस के लिए है रेमेडी या जनरल रेमेडी है, सैटर्न की और केतु की हाउस वगैरह सब? हाउस हाउस हाउस। अब दिस इनके इज फॉर द सिक्स्थ देखो टाइम। इनका बहुत सारी चीज प्लैनेट्स प्रॉब्लमेटिक है इनके चार्ट जी जी में। एक तो ये इतने सारे प्लैनेट के कॉम्बिनेशन 5000 वो प्रॉब्लम है, ठीक है। क्या? उसके बाद अगर मैं राशि चार्ट देखूं, राहु बारहवा, जुपिटर खराब, ठीक है, केतु बुध खराब हो गए हमें पता ही है, चंद्रमा 11वां वो भी खराब है, मन से टेंशन में रहेंगी। चंद्रमा अगर 11वां हो और चंद्रमा की दृष्टि पांचवें घर में पड़ती है, तो इसलिए जिसका चंद्रमा 11वां होता है वो अपने संतान को लेके चिंतित रहता है पूरी जिंदगी। सॉरी किसका सर? जिसका चंद्रमा 11वां होता है वो अपने संतान को लेके चिंतित रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है, इन सबकी रेमेडी स्टेजेस बाय स्टेजेस आएंगी, मैं स्टेजेस बाय स्टेजेस बता सकता हूँ। जी हाँ, इसके लिए क्या है, 11वां चंद्रमा के लिए रेमेडी क्या है, 21 किलो दूध, अच्छा 21 किलो दूध भैरव मंदिर में चढ़ाना है, ओ या एक एक किलो करके 21 मजदूरों को वो दूध दान कर दे। अच्छा तो इतनी सारी रेमेडी है, इनको करनी है इनके चार्ट में, जी हाँ सर। तो बेटर ये है कि इनको उसी लाइन की पढ़ाई कराएं, उसी लाइन का काम कराएं, ठीक जी हाँ है। तो जो कर रहे हैं करते रहो, साथ बाई साथ इनको एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ो, इनके लिए चलेगा अच्छा रहे, चलेगा सर, चलेगा। थैंक यू सर। ठीक है। एक चीज मैं पूछना सर था जी, पूछे, आप पूछ लीजिए। सॉरी, मैंने वही पूछना था सर, वो बेटी के बारे बता रही थी तो वो लाइन कट हो गई थी, मुझे कुछ सुना ही नहीं दिया। हाँ कोई बात नहीं, दोबारा आपका चार्ट अभी ओपन कर हाँ लूँ। एक एक क्वेश्चन था इस चार्ट में। हेलो, हाँ बताइए। आप ये बता सकते हैं, अगर समझो ऐसे चार या पांच प्लैनेट से एक साथ आते हैं, तो नॉर्मली उसको आप उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, जैसे कंबाइंड लेते हैं या एक एक प्लैनेट को सेपरेटली इंटरप्रेट करते हैं, या हाउ इज इट डन, लाइक थोड़ा बताएंगे आप? जैसे आप कोई भी बोलो, कोई भी एक इवेंट बताओ जो इससे चेक करना है। नहीं जैसे अभी इनके पांच प्लैनेट्स हैं, तो ये तो लगभग सारे हाउसेस ले ही लेंगे। नहीं सारे हाउसेस ले लेंगे, आप कोई भी इवेंट बताओ जो हमें पहले चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे समझो इनका
फाइनेंस का ले लेते हैं। फाइनेंस का ले लेते हैं। अब देखो केपी में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको फाइनेंस देखना है तो सेकंड हाउस सब लॉर्ड को ही फोकस करना है। अच्छा, वो अगर इनसे जिन जिन ग्रहों से कनेक्टेड होगा उनको ही देखना है, बाकी आपको कुछ टेंशन नहीं लेना, बाकी नहीं देखना है कोई नहीं। तो अब जैसे इनके एजुकेशन हम देख रहे थे, फोर्थ हाउस सब लॉर्ड हमने देखा, फोर्थ हाउस सब लॉर्ड सैटर्न है। सैटर्न इज कंजंक्ट विद केतु, सैटर्न इज कंजंक्ट विद मरकरी, मार्स है ना, करेक्ट। हमने डिग्री देखा था, अब दोबारा देख लेते डिग्री। इसकी डिग्री है 5 डिग्री शनि की, बुध की डिग्री है 20 डिग्री, 5 और 15 ये नहीं हो रही बुध के साथ। ये नहीं है जी। अब आप सूर्य को देखो, शनि की डिग्री 5, सूर्य की डिग्री 17, तो ये भी हम लगभग लगभग कहते हैं नहीं है, ठीक है। शनि और बुध देख लिया, शनि और मंगल देखो, अब मंगल का देखो 11 डिग्री और 5 डिग्री ये कॉम्बिनेशन में है, तो शनि और मंगल जो है युति में है। फिर केतु जैसे ही आ जाएगा, केतु में डिग्री नहीं लेते सारे ग्रह आ जाएंगे, और शनि यहाँ पे केतु के साथ भी युति कर रहा है, तो ये सारे ग्रहों के रिजल्ट हमें लेने पड़ेंगे फोर्थ हाउस रिलेटेड। तो चौथे घर को इन्फ्लुएंस करने वाला शनि इनके सारे ग्रहों को लेके चल रहा है, तो मिक्स रिजल्ट इनको मिलेंगे इस ग्रह से, राइट, करेक्ट, ठीक है। तो मैं यही कह रहा था कि पांचवा घर जब प्राइमरी एजुकेशन में जब पांचवा घर आ जाता है, पांचवा घर कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन जरूर देगा। ज्यादा प्लैनेट जब पांचवे बुद्धि पे ज्यादा प्लैनेट कंट्रोल करने लग जाएंगे तो हमारा डिस्ट्रैक्शन अनिवार्य है 100%। और जो ग्रह जिस हाउस का मालिक है, जैसे कि सूर्य पांचवे का ही मालिक है, अगर काल पुरुष की कुंडली में देखे पांचवा घर यहाँ आता, पांचवी राशि सूर्य की आती है, और सूर्य खुद पांचवे में बैठा हो तो वो दिक्कत वाला हो जाता है, चाहे वो कोई भी ग्रह हो। शुक्र सातवें पे आ जाता है, वो भी दिक्कत वाला है जी। तो वैसे ही सूर्य पांचवें पे आता है, वो भी दिक्कत वाला होता है, मंगल पांचवें आता है, वो भी दिक्कत वाला होता है। फायरी प्लेनेट फायरी साइन में आए तो दिक्कत है, जबकि यहाँ पे वाटरी साइन आया हुआ है, यहाँ पे वाटरी साइन है, लेकिन यहाँ पे पांचवे में सूर्य दिक्कत करेगा। तो ओवरऑल ये है, दो चीजें हमें देखनी है, एक तो कोई भी कस्पल सब लॉर्ड से अगर ये कनेक्टेड हो, जो जो प्लेनेट होगा उनकी डिग्री देख के हम चूज कर लेंगे। अगर मैं वैदिक की बात करूं, वैदिक में हम कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि भाई ये वाला हाउस तो खाली है, इसको हम इंटरप्रेट कैसे करें, फिर हमें देखना है इस पर किसकी दृष्टि आ रही है, कौन राशि लॉर्ड है, वो राशि लॉर्ड किसके साथ कंजंक्ट है, वो कौन कौन से घरों का मालिक है, ठीक है ना। फिर वो मल्टीपल रूल्स लग जाते हैं। केपी बहुत ही सिंपल है, आपको उसी उसी को पकड़ना है। अगर फोर्थ हाउस सैटर्न को देखो, सैटर्न के स्टार लॉर्ड को देखो, शनि खुद है, तो यहाँ पे हमने जुपिटर को ले लिया था क्योंकि ये खुद ही प्लैनेट रिपीट हो रहा है, तो जुपिटर को हमने आगे लेके कॉम्बिनेशन किया था। दूसरी बात, अगर आपके दिमाग में कभी भी आ जाए कि इतने सारे ग्रह हैं, इनसे इनमें बलशाली कौन है, जब भी राहु केतु होगा, राहु केतु सबसे पावरफुल ग्रह है, आपको पहली बात ये नोट करना है। नेक्स्ट रूल क्या है, जिस ग्रह की डिग्री सबसे कम है वो सबसे पावरफुल है। अब इनमें देखो किसकी डिग्री कम है, शनि की डिग्री सबसे कम है जी, तो शनि इनमें ज्यादा हावी रहेगा, दूसरे शनि के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। अगर दूसरे शनि के हिसाब से चलेंगे तो आप शनि को बढ़िया कर लो तो दूसरे भी धीरे धीरे करके बढ़िया होते जाएंगे, इसलिए मैंने इनको बोला कि भाई एस्ट्रोलॉजी कराओ जी। मेरे कुछ बोलने का रीजन है, रीजन ये है कि अगर ये ज्योतिष करेंगे, शनि ज्योतिष का कारक है, ज्योतिष को इन्फ्लुएंस करेंगे, ज्योतिष बिना नियम के ज्योतिष नहीं होती है, डिसिप्लिन अपने आप लाइफ में आ जाएगी, चीजें इंप्रूव होने लग जाएंगी, ठीक है। तो जो भी प्लेनेट क्यों होता है, जो सबसे छोटा होता है उसकी पावरफुल क्यों होती है, वो पहले भी मैंने एक दिन बताया था। सोचे कि आप कुछ सामान लेने गए हैं मार्केट में, आपने सामान ले लिया, आप जो जो दुकान का मालिक उससे आप बातचीत कर रहे हैं, वो भी आपसे बातचीत कर रहा है, तभी उसके बाद नया एक ग्राहक आ जाता है, तो उसका
का कंसंट्रेशन आपसे हटके ग्राहक पर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उससे उसे पैसे लेने हैं, आपसे ले चुका है वो। तो हमारे जीवन में जैसे व्यवहार हमारे होते हैं वैसे ग्रह भी व्यवहार करते हैं। जो नया आने वाला होता है उसी पे कंसंट्रेशन होगा। घर पे बच्चा होता है कंसंट्रेशन रहता है, बच्चा बोलता है कि कार्टून नेटवर्क, तो कार्टून नेटवर्क ही चलेगा टीवी। जी हाँ, तो इसलिए ग्रह, जिस ग्रह की डिग्री कम है वो ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, उसका इन्फ्लुएंस दूसरों में रहेगा। ठीक है, ओके। अब अगले वाले चार्ट पे चलते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन था, हाँ बताइए। हाँ, जैसे केतु जो है तो नाइन्थ हाउस में एक अच्छा भी बोला जाता है, क्योंकि हायर एजुकेशन में ये फोकस और कंसंट्रेशन करवाता है, ये करेक्ट है या गलत है? ये केतु नौवे में अच्छा है, नौवा जो है रिलीजन है, नौवा जो है आप सोचते कि केतु नौवे को एक्चुअली क्या है कि केतु जो है गहराई डिग करने की शक्ति देता है। केतु रिसर्च के लिए अच्छा है, वही मैं रिसर्च के लिए अच्छा है, लेकिन केतु बाय नेचर कम ही करेगा। अच्छा। केतु नौवा घर पिता है, नौवा घर गुरु है, तो नौवे घर से केतु हमेशा कमी करेगा। इस लड़की के अपने पिता से रिलेशंस में कमी आएगी, 100% आएगी। जी केतु कमी करता है हर चीज में, और ये जितना अपने फादर को रेस्पेक्ट करेगी उतना केतु बढ़िया होगा इसके लिए। अच्छा, जितना फादर की बातों से उल्टा चलेगी उतना केतु खराब होगा इसको, क्योंकि केतु ना वाले रहा है, नाइन्थ सब लॉर्ड है केतु। लेकिन केतु जो है जिसके लगन में होता है या जिसका लगन सब लॉर्ड बनता है, जैसे कि विजय जी का लगन सब लॉर्ड हम मानेंगे केतु है, तो वो बुद्धिशाली इंसान होता है। ओके, ठीक है। लेकिन केतु आपको मानना पड़ेगा, केतु कमी है क्योंकि उसका धड़ है, मस्तक नहीं है, तो केतु इसलिए कमी करता है हर चीज में। कोई भी रिजल्ट में केतु आएगा वो कमी जरूर करेगा, ये आप चेक करके देखो। अच्छा, जिनको आप जानते हो उनसे डिस्कस करके देखो जिनका वो केतु जहां जहां कनेक्ट हो रहा है। एक और चीज, केतु शुभ है या अशुभ है, चलो वो भी बता देता हूँ। राहु केतु के केसेस में आपको कैसे निकालना है कि केतु शुभ है या अशुभ है, तरीके बहुत सारे हैं, एक तरीका बता रहा हूं। केतु अगर शुभ होगा वो शरीर में निशान छोड़ेगा। कैसा निशान? कट का निशान। केतु जहां होगा वहां कट का निशान छोड़ेगा। पांचवा घर जो भी अंग है शरीर में, या नौवा घर जो भी अंग है शरीर में, वहां कट का निशान होगा। केतु इनके फर्स्ट सबलॉर्ड भी है, फर्स्ट सबलॉर्ड हेड एंड फेस है। हेड एंड फेस पे कोई कट है इनके? हाँ हाँ, चेहरे पे लगा हुआ है सर, गार्डन में गिर गई थी वो, उसके गालों पे लगा हुआ है निशान। तो केतु कहीं ना कहीं इनके शुभ रिजल्ट देगा। अच्छा, तो केतु शुभ जहां कनेक्शन ले रहा है घुटनों में, क्योंकि नाइन्थ हाउस घुटने हैं, घुटने, अगर घुटने में भी कटा जाता है तो भी केतु शुभ है। अच्छा, अब राहु का देखें, केतु तो कट का निशान देगा, राहु जो है जहां राहु होगा वहां वो काला तिल देगा। अगर वो दे रहा है शरीर में तो राहु शुभ, काले रंग का तिल देगा वो जहां वो राहु है। अभी बारहवां घर तो ये अपन पैर का टोज वगैरह समझते हैं ना? हाँ जी, पैर का है। अच्छा, तो सिक्स्थ हाउस क्या, कौन सा बॉडी पार्ट आता है? कौन सा? सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस पेट है, पेट। Okay. अगर पेट पे कहीं पे भी काला तिल है तो राहु शुभ है, बाकी छठे घर का राहु अच्छा होता है जी। तो राहु कहीं पे भी अच्छा होगा तो काला तिल देगा,
और केतु अच्छा होगा तो वो कट का निशान देगा, लेकिन फिर भी जितना भी शुभ हो वो अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन वो कमी जरूर करता है। अब इसका मतलब ये है कि केतु ने, अगर आप देखो यहाँ पे केतु ने नौवा घर लिया है तो एजुकेशन हायर स्टडीज जरूर देगा, लेकिन कमी के साथ, जो जो इनकी इच्छा है उस लेवल की नहीं देगा, लेकिन देगा जरूर। अभी आपने जो बताया, हाँ जी, अभी आपने जो बताया हम उसको रेमेडी बोल के यूज कर सकते हैं, जैसे समझो किसी का केतु लग्न में है तो एक वहां पे कट करवा दे, जैसे आपने अभी एक स्टिच करवा दे, वैसे कुछ नहीं होता है? नहीं, नेचुरली होगा वो चीज, नेचुरली। अच्छा ठीक है, ये नेचुरली चीज होगी तो हम मानेंगे कि ये है जी, ये तो हमें, हम एस्ट्रोलॉजर हैं, हम इसको देखेंगे नेचुरली हुआ है कि ये करवा नहीं सकते, करवा के कैसे होगा, वो नेचुरल नहीं हुआ ना फिर। सो अगर वहां पे नहीं होगा सर, फिर वो नहीं होगा शुभ, जैसे अगर आपने नहीं, बोला के वो नहीं, वो फिक के तो शुभ नहीं है। ओके, ठीक है, फिर अब आप आपका चार्ट देखते हैं, आप वाला चार्ट। अगर समय बचेगा तो एक मेरे भांजे का देख लेंगे इसके बाद, पॉसिबल ही इज डूइंग, ही इज ट्राइंग फॉर हायर स्टडीज, तो मैं आपसे उसके बारे में पूछ लूंगा। हां हां ठीक है, देखेंगे। तो इस चार्ट में क्या पूछना था मैडम? सो बेटी के वो देख रहे थे कि वो आप बता रहे थे रेमेडी कि ईस्ट में रेड कलर के कर्टन थे, वो कट हो गया था, फिर उसके बाद में कुछ नहीं मिला। तो हम यहां पे 9th हाउस सबलॉर्ड देखेंगे। 9th हाउस सबलॉर्ड मंगल है, ठीक है? मंगल जो है यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, मंगल सूर्य है, और एक दो तीन चार पांच जुपिटर की एस्पेक्ट है राहु पे, मंगल जो है 27 डिग्री का है, सूर्य 26 डिग्री का है, सूर्य और मंगल की युति है, सूर्य पांचवा घर ले रहा है, मंगल ग्यारहवा घर ले रहा है, और शनि यहाँ पे आठवा घर ले रहा है और नौवा ले रहा है। और राहु का स्टार लॉर्ड वीनस है, सैटर्न का स्टार लॉर्ड केतु है और राहु केतु का स्टार है। ओके, अब यहाँ पे देखो, इन पे दो चीजें हैं हमें फोकस करनी है। राहु की अंतरदशा चल रही है, ठीक है, राहु जनरली डिस्ट्रैक्शन लाता है, ठीक है, जब दशाएं में आता है तब डिस्ट्रैक्शन लाता है। तो राहु को अगर मैं देखूं, राहु शुक्र ले रहा है और शुक्र जो है कितने डिग्री का है, 15 डिग्री का है, और शुक्र के कारण हम देख सकते हैं कि शनि भी आ रहा है, ठीक है, शनि का स्टार लॉर्ड है ना, वीनस का स्टार लॉर्ड शनि है, तो शुक्र के कारण शनि भी आ रहा है, ठीक है। नौवे के कारण, अगर नौवे के कारण 9th हाउस सब लॉर्ड मंगल है और मंगल जो है ग्यारहवा ले रहा है, सूर्य है पांचवा, चौथा ले रहा है और ये ले रहा है, सूर्य का स्टार लॉर्ड भी सूर्य ही है, सूर्य 27 डिग्री का है और किसी से ये कनेक्शन नहीं हो रहे हैं, ठीक है। मंगल 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 मार्स मार्स और मार्स किसी का बना है, 5th हाउस का बना है, 9th हाउस का बना है, 11th हाउस का बना है, ओके।
यहाँ पे यहाँ पे मेरे को दो प्लैनेट प्रॉब्लमेटिक लग रहे हैं, ठीक है, महादशा और शनि और राहु अंतर्दशा, ठीक है। इनकी शनि की दशा शुरू कब हुई है? 2005 से, 2005 से, अब ये 2024 तक चलेगा, उसके बाद आ जाएगा बुध, ठीक है। हालांकि शनि जो है वो नौवा ले रहा है, लेकिन 8-9 जुड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 8-9 जुड़ने के कारण तो यहाँ पे ये 9वें का 12 बनता है, ठीक है ना। तो इसमें हर्डल्स काफी आएंगे। मैंने आपको ये भी बताया था कि कैप्रिकॉन राशि जहां पड़ेगी वहां पे स्ट्रगल रहेगा, तो हायर स्टडीज में इनके स्ट्रगल रहना है। तो उसको सही करने के लिए एक तो अंतर्दशा मालिक और महादशा मालिक दोनों की रेमेडी आप, ठीक है। अभी अगर मैं ट्रांजिट की देखूं, ट्रांजिट ट्रांजिट अगर लगाएं तो 7वें घर में शनि चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे शनि चल रहा है और यहाँ पे केतु भी चल रहा है, ठीक है। अभी वो ट्रांजिट का मैंने बताया नहीं है, ट्रांजिट में बाद में आएंगे, तो यहाँ चल रहे हैं, और यहाँ पे आपका है जब जब शनि यहाँ आ जाएगा 8वें घर में ट्रांजिट करते हुए आ जाएगा, वो आने वाला है, तब चीजें इंप्रूव हो जाएंगी, ठीक है। इंप्रूव हो जाएंगे, क्यों इंप्रूव होंगे? क्योंकि ये दोनों घर जुड़े हुए हैं, इसलिए कह रहा हूँ मैं, तब इंप्रूव हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा बहुत राहु और शनि की रेमेडी आप करवा लो लड़की से। लड़की आपके साथ में रहती है? हाँ जी, ये तो मेरे साथ रहते हैं। हाँ, भी वहां पे चीजें डोनेट करना भी तो प्रॉब्लम है ना। हाँ जी, बस वो बैगर्स को दे सकते हैं बस। यहाँ पे आपके कोई जानकार है इंडिया में? मेरी सिस्टर है, बट वो भी आई थिंक ओनली 1 मंथ के लिए है उधर। अच्छा, या तो आप किसी जानकार को जानते हैं, या तो आप मेरे को कुछ पैसे देंगे तो यहाँ पे मैं गरीबों में कुछ शनिवार को नमकीन खाना खिलाने के लिए अरेंजमेंट करवाए हैं, या तो आप वहां करवाए अपने पास शनिवार को, या तो घर से कुछ बना के ले जाओ नमकीन, ठीक है। वो जो मजदूर हैं, लेबर्स हैं, उनको खिलाना है आपको। अगर आप नहीं खिला सकते, ठीक है, अगर नहीं खिला सकते तो कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन देखो जहां पे हैंडीकैप हो, हैंडीकैप उनको कुछ सैटरडे को जाके आप नमकीन खाना खिलाएं, हैंडीकैप का कोई इंस्टीट्यूशन हो या इस तरह का, वहां पे जाके इस लड़की के हाथ से कुछ खाना खिलाएं। तो फिर राहु की क्या रेमेडी करूं फिर? राहु के लिए तो मैंने आपको बताया वो चीज कराओ। ठीक है, वो हाँ, वो रेड कट कर्टन्स। रेड कर्टन्स लगा दो। चाय पीती है ये? चाय पीती कभी कभी, बट हमेशा नहीं, कभी कभी पीती है। तो चाय इसके लिए अच्छी है। अच्छा है, ठीक है, चाय पिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके दांतों में दिक्कत है क्या? हाँ जी है, लाइक वो कीड़ा लगा हुआ है तो वो है उसके। सेकेंड हाउस सब लॉर्ड सूर्य हो या शनि हो तो दांतों में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। शनि दांत है, उबड़ खाबड़ चीजें दांत है, जॉइंट्स शनि है, ठीक है। कोनी, नीज, जितने भी आपके हड्डियों के जॉइंट्स हैं वो सैटन है, ठीक है। इसको जॉइंट्स की भी थोड़ी प्रॉब्लम है, फीट में इसके दर्द रहता है लाइक, तो वो डॉक्टर ने बोला था कि इसके वो जो फ्लैट फीट हैं इसलिए इसको थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा।
बट वैसे तो फिर इसकी लाइक थोड़ी प्रॉब्लम आएगी जैसे आप बता रहे हैं, बट हो जाएगी इसकी मेडिकल का रिलेटेड कुछ ना कुछ। हाँ इसमें हो जाएगा लेकिन एफर्ट्स लगेंगे। ओके एफर्ट्स लगेंगे क्योंकि आठवां घर जहाँ आ जाता है वहाँ पे ऑब्स्टेकल्स तो काफी आते हैं लेकिन एफर्ट्स लगेंगे। ओके एफर्ट्स इसमें लगेंगे। मुझे लगता मेरी सारी फैमिली का ही राहु केतु जहाँ पे होगा, तीनों का तो देख लिया अभी। हाँ जी लगभग सबका ही आपका यही है तो इसलिए एक तो मतलब बात राहु केतु जिनका राहु तीसरे में हो वो बातों में काफी माहिर महारथी होती है, वो मतलब बातें बहुत बढ़िया बना सकता है। स्पीच में कंट्रोल, स्पीच में उनके कई बार रफनेस आ जाती है और स्पीच जो है वो पावरफुल रखता है। आप एक चीज बताओ, आपके घर के आसपास कोई ड्रेनेज है क्या? मेरे घर के पीछे है सर, लाइक एक्चुअली में वो ड्रेनेज काइंड ऑफ ड्रेनेज है कि मेरी जो घर की स्लोप है वो वेस्ट की तरफ बहुत ज्यादा है, लाइक ऑलमोस्ट 6-7 फीट होगी बैक बैक लॉट की। वो हम बराबर करना चाहते थे जब हमने घर लिया था तो, बट वो सिटी वाले कहते हैं कि आप नहीं कर सकते क्योंकि जो मेरे पीछे वाले घर हैं उनकी हमारी बैक लगती है, वो घर बहुत नीवे हैं, ऑलमोस्ट एक स्टोरी नीवे हैं, कहते हैं अगर फ्लडिंग हो गई तो इसीलिए ये रखा है ताकि वो पानी निकल जाए। देखो बारिश वगैरह काफी होती है इधर। फोर्थ हाउस अब अगले वाले में हम फोर्थ हाउस को एज अ प्रॉपर्टी देखेंगे तो फोर्थ हाउस जो है हमारा घर है और तीसरा घर हमारे घर के आसपास की जगह, जो राहु जो है वो कहीं ना कहीं कचरा ड्रेन इस तरह की गंदा कुछ ना कुछ घर के आसपास जरूर होगा, जिसका फोर्थ हाउस राहु होगा तो उसके घर के आसपास या तो कूड़ेदान होगा या तो ड्रेन होगा, नाला जिसे कहते हैं, या नाली होगी, इस तरह की चीजें जरूर होंगी। ऊपर से वाटरी साइन भी आ रहा है यहाँ पे तो इसलिए ड्रेन भी है, ठीक है। अब सूर्य चौथा घर ले रहा है यहाँ पे और यहाँ पे बुध ले रहा है तो दोनों को यूज करते हुए हम बोल सकते हैं कि ये लड़की जहां रहती है वहां पे कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी जरूर होगा इसके घर के पास और मार्केट भी पास होगा। मार्केट पास है, छोटा कॉर्नर स्टोर एक है, हाँ जी दो तीन घर छोड़कर एक छोटा कॉर्नर स्टोर है, लेकिन जैसे कहते हैं एक दुकान है तो, बट गवर्नमेंट की तो कोई ऐसी जगह नहीं है मेरे घर के पास। सूर्य रिलेटेड और क्या चीज है आपके घर के आसपास? हाँ जी सन रिलेटेड और क्या चीज है घर के आसपास? सन रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा जो घर में होगा, या तो प्रॉपर्टी या लैंड जो है वो गवर्नमेंट की होगी या लीज पे होगी। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, जहाँ पे ये बॉर्न हुई थी वहां पे था, वहां स्कूल था, दो घर छोड़कर स्कूल था गवर्नमेंट का, कहाँ पे? बट जब अब वहां रहते हैं अभी, यहाँ नहीं है कुछ। और तो चलो राहु है ना, हाँ जी ये लड़की जहाँ रहती है कि क्या वो मतलब उसका रूम क्या सीढ़ियों पे चढ़ के है? हाँ जी तो जिसका फोर्थ हाउस, हाँ जिसका फोर्थ हाउस राहु हो उसका घर कभी भी ग्राउंड पे नहीं हो सकता, उसको सीढ़ियों पे चढ़ना ही पड़ेगा। देख हमारा टू स्टोरी हाउस है, नीचे लिविंग रूम किचन वगैरह गराज है, ऊपर रूम है चारों सभी के। हाँ जी तो मैं वही बता रहा हूँ, जिसका फोर्थ हाउस राहु हो उसका घर जो है सीढ़ी चढ़कर ही होता है, ठीक है। तो ये चीज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये होता है, ठीक है। तो अभी हेमंत जी का एक चार्ट ले लेते हैं, मैं बताया था एक चार्ट जी मेरे भांजे का है, उसका डेट ऑफ बर्थ है, क्या नाम है? अर्जुन। फर्स्ट दिसंबर 1992, 7:30 AM मुंबई। He's done his engineering and now he's trying for higher studies in the US. लेकिन वो थोड़ा confused है इसमें। Engineering है तो शनि मंगल
जरूर कनेक्टेड होंगे, ठीक है, ये भी हम चेक करेंगे। आईटी में क्या होता है, इज डन एन आईटी वर्ड आएगा तो थर्ड हाउस भी जरूर कनेक्टेड होगा जी, वो भी देख लेते हैं। और वो ये सेमेस्टर के लिए ट्राई कर रहा है जैन इनटेक में, बट इज नॉट वेरी श्योर, ही शुड गो ऑन। ओके, देखो नौवे घर में खुद मंगल बैठा है, ठीक है जी, राशि चार्ट में, लेकिन हमें तो यहाँ से देखना है। नाइन्थ हाउस सब लॉर्ड राहु है, ओके, राहु इज कनेक्टेड विद मंगल, मार्स, मरकरी, जुपिटर, ठीक है। अब हमें इन प्लैनेट को देखना है। राहु फर्स्ट हाउस, ये लड़का जहाँ रहता है आप जानते हो, जगह जगह देखी है आपने, वो हमारे साथ ही रहता है। कहा इसका जन्म कहा हुआ है, जहाँ जन्म हुआ है घर में, वो मुंबई में जन्म हुआ है, बट हिज पेरेंट्स आर नॉट इन बॉम्बे, वो हमारे साथ ही यही रहा, यही बड़ा हुआ है वो। राहु जिसके लगन में होता है उसके घर के सामने वाली जगह या तो खाली होगी या तो कोई ऐसा मकान होगा जो उस मकान में कोई नहीं होगा, करेक्ट है, या उस मकान में कोई लड़का पैदा नहीं होगा। नहीं, सामने एक वेकेंट प्लॉट है, वेकेंट प्लॉट है, ठीक है, तो ये चीज आप नोट कर सकते हो, जिसके लगन में राहु होगा उसका ये रिजल्ट होगा। सूर्य राहु साथ में है, ये प्रॉब्लम वाला सिचुएशन है इनके चार्ट में, ठीक है, चलो वो बाद में देखेंगे, हमें नाइन्थ हाउस को फोकस करना है। तो इन्होंने बोला कि भाई नाइन्थ हाउस सब लॉर्ड हमारे पास राहु है, ये नोट करते हैं। तो राहु के जो स्टार लॉर्ड है वो हमने देखा मार्स, सॉरी राहु का साइन लॉर्ड मार्स, राहु का मरकरी। मैंने ये चीज नोटिस किया है, जब भी हम आईटी की बात करते हैं तो आईटी में ऐसे प्लैनेट जरूर जुड़ते हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हो या टेली कम्युनिकेशन से जुड़ा हो। राहु एंड मरकरी ये दोनों एरी प्लैनेट हैं, वो टेली कम्युनिकेशन थर्ड हाउस को डिनोट करते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे थर्ड हाउस नहीं आया है, वो हमें नोट करना है कि थर्ड हाउस आईटी में जब काम करेगा तो थर्ड हाउस जरूर आएगा, तो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मार्स, मरकरी, जुपिटर, जुपिटर, अब हमें राहु के रूल लगाने हैं कि राहु के ऊपर जिसकी दृष्टि जिससे ज्यादा युति, राहु सूर्य के साथ युति कर रहा है तो सूर्य भी यहाँ पे रिजल्ट देगा। अब हमें देखना है बाकी कौन कौन से प्लैनेट की एस्पेक्ट्स राहु पे है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक दो तीन, जुपिटर का नहीं है, सैटर्न 7, 8, 9, 10, सैटर्न का नहीं है और मून का नहीं है और किसी का नहीं, ठीक। अब आप स्टार लॉर्ड कॉलम में देखेंगे के राहु है, राहु कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्च आ गया, मार्च के रिजल्ट हमें देखना है, राहु के रिजल्ट देखना। राहु कहाँ बैठा है देखो, राहु फर्स्ट हाउस में है, ठीक है। एजुकेशन में जब भी पहला घर आए तो जातक अपनी मर्जी से एजुकेशन कर सकता है, अपनी मर्जी से चॉइस करके अपने सब्जेक्ट चुनता है, ठीक है। लेकिन जब भी राहु आएगा या केतु आएगा, मैंने बताया उसमें कमी आएगी। राहु जब आएगा उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा कि मैंने जो सब्जेक्ट्स लिए फिर भी मन में ये रहता है चलो यार वो भी ले लेता तो बढ़िया रहता, इस तरह की चीज दिमाग में रहती है। अब आगे चलते हैं, मार्स आया है, मार्स का रिजल्ट हम देखेंगे, मार्स आठवां है, तो मार्स जब आठवां लेगा तो नाइन्थ हाउस का जो एजुकेशन है उसमें कमी करेगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, उसने छठा ले लिया, कोई भी देखें कि जब इसमें एक और चीज होती है, ये हालांकि थोड़ा बहुत ठीक है, ये अगर उल्टा होता तो ज्यादा बढ़िया होता। उल्टा मतलब क्या है कि अगर मार्स का साइन यहां होता और मार्स यहां होता वो ज्यादा बढ़िया होता। ऐसा क्यों कह रहा हूं, ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आत्मा हमारी प्रॉब्लम्स हैं और प्रॉब्लम से ओवरकम होना वो छठा घर है, सातवें के ऊपर जीत वो छठा घर है,
जब भी एट का मालिक छठे में आ जाए तो हम कहते हैं वो इंसान सक्सेसफुल है, या एट सब लॉर्ड छठे में हो तब भी हम बोलेंगे वो इंसान सक्सेसफुल है, लेकिन जब छठे का मालिक आठवें में आ जाए तो वो प्रॉब्लम वाला हो जाता है। ठीक है जी, उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स ज्यादा आती हैं आठवें का मालिक, छठे का मालिक आठवें में आ जाए तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है। चलो अब आगे चलते हैं, मरकरी को रिजल्ट निकालते हैं। तो यहाँ आठवां छठा और यहाँ पे फर्स्ट आ गया। अब मरकरी को देखेंगे, मरकरी का क्या रिजल्ट है। मरकरी जो है 12th हाउस है, 12th हाउस है, और मरकरी 8th हाउस है और 11th है, तो यहाँ पे भी आठवां आ रहा है। तो हायर स्टडीज में इनको तो दिक्कतें आने वाली है, होनी है, ऑब्स्टेकल्स जरूर आएगा। अब आप देखें मरकरी आ गया आठवां और ग्यारहवां, ठीक है। आठवें से निकलने का तरीका क्या है, जब एट्थ सब लॉर्ड ग्यारहवां ले ले तो हम आठवें से निकल जाते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम से निकल जाते हैं। तो 8 एंड 11 मरकरी ले रहा है तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, 12वां ले रहा है तो अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। अब आप जुपिटर को देखो, जुपिटर जुपिटर 10वां ले रहा है, ठीक है, और जुपिटर का जो साइन है वो 5वां घर है और दूसरा बहुत दूसरा घर है। सन सन जो है 12th हाउस है और सन 10th हाउस। अब मंगल का स्टार लॉर्ड देखो कौन है, मंगल का स्टार लॉर्ड जो है वो सैटर्न है, ठीक है, मंगल का स्टार लॉर्ड सैटर्न है। यहाँ पे 3rd एंड 4th आ रहा है, ठीक है, और शनि कहाँ है, 2nd हाउस में। ओके, मरकरी, मरकरी का स्टार लॉर्ड जुपिटर वो हमने देख लिया, जुपिटर का स्टार लॉर्ड मून, और मून कहाँ है, मून 3rd में है और मून 9th है। जब 9th सब लॉर्ड 9th ले ले तो हम कहेंगे कि हायर एजुकेशन कंप्लीट होगी, लेकिन इसमें ऑब्स्टेकल के साथ होगी, 8वां घर आ रहा है, 12वां घर आ रहा है, ऑब्स्टेकल के साथ होगी और इसको हायर एजुकेशन के लिए बाहर भी जाना पड़े। नहीं, he is trying to go to America. हाँ? He is trying to go to America, लेकिन he is very paranoid also. वो actually by temperament also बहुत anxiety और nervous kind of a person है, nervous kind of a temperament also. तो ये बाहर जाएगा तो इसके लिए बढ़िया है। हाँ, but he'll complete that because वो he is very scared also. Actually, fears बहुत है उसमें. I think because of Rahu and Sun in the Lagna ना. तो बहुत सारे फियर्स है उसका एक्चुअली, अंदर हेल्थ इश्यूज भी है थोड़े। और लोन लेके जाएगा तो ही इज आल्सो वरीड अबाउट बीइंग एबल टू रीपे द लोन, कि काफी लोन हो जाएंगे वो। इसकी इम्यूनिटी वीक है लड़के की। हाँ, ऐसा क्यों बोला मैंने, इम्यूनिटी वीक ऐसा क्यों बोला? राहु एंड सन इन द लग्न, नहीं, हेल्थ रिलेटेड इशू या हेल्थ रिलेटेड चीजें हमें 6th हाउस सब लॉर्ड देखना है। 6th हाउस सब लॉर्ड मून है और मून तो हमारे अंदर जो ब्लड में लड़ने की जो शक्ति होती है व्हाइट ब्लड सेल वो उसको शो करता है, राइट, और वो इम्यूनिटी का कारक है। तो जब वो कम छठे में आ जाएगा, छठे में चंद्रमा अच्छा नहीं होता है तो इसलिए वो इम्यूनिटी की कमी करेगा। तो छठा चंद्रमा और छठा सब लॉर्ड दोनों होगा तो भी सेम रिजल्ट है या इट इज डिफरेंट? काफी हद तक सेम ही रहेगा। ओके, क्योंकि ग्रह जो खुद बैठा रहता है उसका रिजल्ट तो वो देगा ही देगा, लेकिन केपी कहता है जो सब लॉर्ड होता है वो उसका रिजल्ट जरूर देता है।
वो प्रॉमिस है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मून को हमने देख लिया, 3 और 9 ले रहे हैं, ठीक है, तो वो ठीक है। तो मून एजुकेशन तो पूरी होगी लेकिन बाहर जाके करेगा, ठीक है। बट जो लाइबिलिटीज ही क्रिएट व्हाट इज वरीड अबाउट, सो ही विल बी एबल टू पे दैट ऑफ आल्सो। लाइबिलिटी पे कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो हम देखेंगे। खर्चा वापस करना है तो 12वें घर से देखेंगे हम। बार-बार इसलिए पूछ रहा हूं मैं आपको, तो 12वें घर का सबलॉट कौन है? राहु है, तो उसमें भी दिक्कत आएगी क्योंकि 8वां घर आ रहा है। हाँ जी, वीनस है सबलॉट 12वें हाउस, वीनस है तो वीनस को आप देखो सेकंड हाउस ले रहा है, तो फिर बढ़िया है, वो ले लेगा। अच्छा, ओके, नॉट अ प्रॉब्लम ना। हाँ, लेकिन 12वां भी ले रहा है तो खर्चा भी होगा, वो हो जाएगा, वो वापस हो जाएगा, रीपे हो जाएगा। ओके, फिर वीनस को देखो, वीनस का स्टार लॉर्ड कौन है? वीनस का स्टार लॉर्ड सन है, सन 12वां है ना? मून का स्टार लॉर्ड कौन है? मून मार्स है, केतु है, तो रीपे हो जाएगा, लेकिन उसमें भी मतलब इजी नहीं होगा रीपे, थोड़ा टाइम लगेगा जी। तो एजुकेशन तो कंफर्म हो गया कि भाई एजुकेशन होगा, तो थर्ड हाउस इसमें आ रहा है, राहु आ रहा है, मरकरी आ रहा है, तो आईटी रिलेटेड पढ़ाई कर सकते हैं, है ना? और उसके बाद जुपिटर भी है इसमें, तो जुपिटर पढ़ाई के लिए अच्छा अच्छा प्लैनेट है, तो पढ़ाई अच्छी कराएगा जुपिटर, ठीक है। सूर्य है तो जो कॉलेज मिलेगा वो भी अच्छा रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज होगा, गवर्नमेंट का वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस हो जाए, तो इसलिए एक्चुअली काफी कॉस्टली हो जाएगा वो। हाँ, अच्छा कॉलेज होगा क्योंकि सूर्य जो है अच्छा कॉलेज में ही ले जाता है, सूर्य नाम वाला, लोग कहेंगे हाँ उस कॉलेज में पढ़ता था, तो वो चीज सूर्य देता है। अब आप देखें कि भाई ये ट्रैवल करेगा, क्या दशा अंतर दशा सपोर्ट कर रही है ये ट्रैवल करे? ये अभी जुपिटर की महादशा और मर्क्यूरी की अंतर दशा है, तो अब देखो कि जब तक महादशा एग्री नहीं करेगा कि मैं इसको भेजूंगा, तब तक ये नहीं जा सकता बाहर। तो महादशा को हम चेक करेंगे, महादशा का स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड कौन है। महादशा खुद 2, 5, 10 ले रहा है, ट्रेवल जैसे कोई भी घरों को शो नहीं कर रहा है जी। आगे चलते हैं, जुपिटर का स्टार लॉर्ड जो है मून है, मून ने तीसरा घर लिया है और 9वां घर लिया है, ये आ गया यहाँ पे, है ना, 9th आ गया, यहाँ पे सपोर्ट आ गया। अब आप देखें 9वां घर लॉन्ग ट्रेवल है, तीसरा हमारा वीजा और ये सब एप्लीकेशन है। अब आप देखें जुपिटर का सब लॉर्ड जो है वो शनि है, तो आखिरी कंफर्मेशन वो देगा कि भाई ये कहीं रोक तो नहीं रहा, वो आप देखें। सैटर्न ने कौन से घर लिया है? सेकंड हाउस, थर्ड फोर्थ, और थर्ड एंड फोर्थ ये भी ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। तो महादशा तो एग्री करता है कि भाई मैं इसको भेज दूंगा, रोकूंगा नहीं, ठीक है। अब अंतरदशा को देखो, क्या अंतरदशा सपोर्ट कर रहा है? अब मरकरी को देखो, मरकरी ने 12वां लिया है, 8वां लिया है, 11वां लिया है और 3, 9 लिया है, सिर्फ 8वें के कारण ये हेजिटेशन है, लेकिन ये चला जरूर जाएगा, ओके, ठीक है। तो ये कब तक बात बनेगी? ये अंतरदशा तो बड़ी है, तो अब सूर्य का गोचर लगाओ यहाँ पे, सूर्य का इसके अंदर गोचर लगाओ, पूरे अप्रैल में यहाँ होता है, ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जुलाई, जुलाई तो वैसे निकल गया, तो जुलाई में एक अपॉर्चुनिटी थी वो निकल गई। अब अगला जाने का रहेगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में, नहीं अक्टूबर में भी नहीं होगा, अगर अक्टूबर में नहीं होगा, अब देखो कि जुपिटर कहाँ है। जुपिटर अभी जो है तुला राशि में, यहाँ पे
तो इस साल ही होगा इसका। करेक्ट, मैंने बोला जनवरी इंटेक के लिए ट्राई कर रहे हो, इसी साल होगा। हाँ। तो अब देखो कि तीसरा घर कहाँ कब आएगा, तो ये आ रहा है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो जनवरी में जाके ये चीज फाइनल हो जाएगी। ठीक है, जुपिटर साल का कारक, सूर्य मंथ का कारक, चंद्रमा दिन का कारक। ठीक, तो लगभग अब देखो कि ये जनवरी में बात कर रहे हैं, तो भाई जनवरी में क्या कोई दशा है जो सपोर्ट कर रहा है अंतरदशा, वो देख लेते हैं। जुपिटर 2029 तक है, उसके बाद जुपिटर में मरकरी 2019 तक है, तो जनवरी में तो भाई 2020 आ जाएगा। केतु 17, केतु केतु तो यहाँ पे अगर आप देखें कि जुपिटर की दशा है, जुपिटर में राहु 2019 मरकरी, मरकरी 12 दिसंबर 28-12, उसके बाद आ जाएगा केतु, 28-12 के बाद केतु आ जाएगा। केतु अंदर दशा में आ रहा है, और केतु इनके कहाँ है, केतु सातवें में है। केतु का स्टार लॉर्ड कौन है, केतु किसी का स्टार बना है, केतु किसी का भी स्टार नहीं बना है, केतु का स्टार लॉर्ड कौन है, मार्स, मार्स आठवां है। जुपिटर उससे पहले पहले हो जाएगा मेरे हिसाब से, तो अब जनवरी में शुरू हो तो दिसंबर तक तो यू हैव टू गो ना बेसिकली। अगर जनवरी में इनटेक है तो दिसंबर तक शायद जाना पड़ेगा उनको, मतलब ये 2020 में दिसंबर में कह रहे हो, नहीं दिसंबर 2019 तक होगा या तो फिर जून 2020 में होगा। क्योंकि मेरे ख्याल से ये अक्टूबर से ही कहां शुरू हो जाएगा, केतु आने के बाद तो दिक्कत शुरू हो जाएगी, केतु में तो भेज नहीं पाएगा, नहीं जा पाएंगे, केतु में तो प्रॉब्लम हो जाएगी जाने में, क्योंकि केतु आठवा ले रहा है ना, नौवे का आठवा आ गया तो केतु फिर तो रोक रहा है। महादशा स्ट्रॉन्गर थे अंतरदशा या नहीं, मतलब इस अंतरदशा में इवेंट नहीं होने देगा ना वो केतु। अच्छा, महादशा तो स्ट्रॉन्ग है, ओके कि मैं रिजल्ट देने के लिए ओके हूँ, लेकिन इस दशा में वो रिजल्ट नहीं देगा केतु के दशा में। रीजन क्या है कि केतु आठवा ले रहा है, केतु को अगर मैं अच्छी तरह देखूं कि केतु पे दृष्टि किसकी है, सूर्य राहु की दृष्टि है, एक दो तीन चार पाँच जुपिटर सात आठ नौ जुपिटर की दृष्टि है। ठीक है, जुपिटर दसवा घर ले रहा है, जुपिटर पांचवा घर ले रहा है, पांचवा घर जो है टूरिस्ट वीजा है। ठीक है, पांचवा घर टूरिस्ट वीजा है, कोई आया है,
किससे बात कर रहे सुनो? हाँ जी, वो कहते कोई आया है बाहर, कोई गेस्ट आया होगा। हाँ जी। और मैडम कैसा चल रहा है आपका? हाँ जी ठीक है, मैं तो बस अभी कंफ्यूजन में हूँ क्योंकि वो मेरा सेट ही नहीं आता ना। मैं अभी बेटी का देखा सर ने, तो मेरी फोर्थ राशि आ रही है, लाइक असेंडेंट में। अभी हो आपके भी ग्रह देखे रहे मैंने, 12वें 11वें में 4-5 आ गए, हमारे तो 5वें 6ठे में सब है। हाँ जी, नहीं, वो मेरी राशि वो ठीक नहीं आता, मेरा चार्ट नहीं ठीक आता। जब मैं बनाती हूँ ना तो मैं प्रैक्टिस नहीं अच्छे से कर पाती क्योंकि वो मुझे चार्ट ही मेरा ठीक नहीं आता कभी। नहीं हो पीछे तो आपको बोला था ना सर ने, कहा कि वो सेटिंग करवा लो। हाँ जी, वो सर कहते थे मैं वीडियो शेयर करूंगा, बट आई गेस वो बिजी होंगे। अच्छा। हाँ जी, तो वो मैं अभी बेटी का निकाला था 2-3 दिन पहले, वो उसका बिल्कुल गलत आ रहा है चार्ट। मेरा भी पहले शुरू शुरू में यही आ रहा था। ओके ओके, तो वो क्या बात कर रहे थे हम? सर वो बाहर जाने का। हाँ, बाहर जाने उसकी का। दशा की बात कर रहे थे। दशा की बात। हाँ, तो ये जो पॉजिटिव दशा जो है वो मतलब बुध बुध तक है। बुध तक ठीक है, थोड़ा ये रुकावट लग रही है मेरे को ये। अच्छा, प्रत्यंत दशा से भी फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रांजिट से भी फर्क नहीं पड़ेगा ना? ट्रांजिट भी इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन इसमें अंतर भुक्ति जो है, अंतर दशा जिसे कहते हैं, वो अगर रोक रहा है तो दिक्कत है ना। अच्छा, अगर मैं अच्छी तरह देखूं केतु को, केतु मार्स जुपिटर है, मार्स एंड जुपिटर, मार्स का स्टार लॉर्ड कौन है? मार्स का स्टार लॉर्ड सैटर्न तीसरा ले रहा है ना। तीसरा ले रहा है, 3, 2, 3 और 4। लेकिन मेरे ख्याल से वो मतलब ये केतु आने से पहले पहले बात बन जानी चाहिए। ओके, केतु आने से पहले पहले ही बात बन जाएगी। एंड इन केस केतु मार रहे तो कुछ रेमेडीज है उसके लिए या रेमेडीज नहीं है कुछ? रेमेडीज कर सकते हैं इसके लिए। केतु किसके साइन में? केतु वीनस के साइन में। वीनस, शुक्र, और मंगल के स्टार में जुपिटर। तो 3 पीले लड्डू मंदिर में रखवा दो इस लड़के के हाथ से। अच्छा, मंगलवार के दिन। जी जी, 3 लड्डू बिकॉज ऑफ केतु, मंदिर भी केतु की वजह से एंड मंदिर जुपिटर की वजह से। जुपिटर सब लॉर्ड है ना उसका? जुपिटर सब लॉर्ड है। हाँ ठीक है। तो सर फिर ये रेमेडी तब करनी चाहिए जब केतु की दशा होगी, पहले भी कर सकते हैं? पहले कर लो। ओके, जनरली रेमेडी दशा आने से पहले करनी चाहिए, उपाय दशा आने से पहले करनी चाहिए। दशा है तो आराम से बैठ जाओ, आपने उपाय कर चुके हो। ओके ओके सर, अभी तो मेरे लड़की की केतु की दशा चालू है। केतु की चल रही है उनकी? देखो मैंने वो नीचे जो चार्ट आता है ना, तो उसमें बताया था कि भाई केतु का कुछ बता रहे थे। आप ना एक लेक्चर करने वाले थे रेमेडीज पे, वो कब करने वाले हो आप? रेमेडीज पे किस चीज पे? रेमेडीज पे क्या लेक्चर देना था मेरे को? नहीं, आप बता रहे थे कि कभी रेमेडीज पे हम करेंगे एक सेशन। रेमेडीज पता है क्या है, रेमेडीज चार्ट टू चार्ट ज्यादा बेहतर आता है। अच्छा, क्योंकि ऐसा कुछ मतलब स्टैंडर्ड कुछ नहीं है रेमेडीज पे। मैं आपको बताता हूँ रेमेडीज का लॉजिक क्या है। रेमेडीज एक तो जो बोल रहा होता है उसकी एनर्जी काम करती है मेजरली। जी ठीक है। और कई बार हम करते हैं रेमेडी, कई बार हमें काम नहीं होता, कई बार काम बन जाता है। ठीक है, रेमेडीज में मतलब ये है कि दो तरफ से चीजें चलती है। एक तो जो बोल रहा है उसकी एनर्जी भी जाती है, और जो कर रहा होता है वो विश्वास के साथ करे वो भी काम करते हैं। ठीक है, बाकी चार्ट टू चार्ट ज्यादा रेमेडी बढ़िया बता सकता हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही रेमेडी के रिलेटेड बताऊं कि भाई ये प्लैनेट है इसके आर्टिकल्स आप डोनेट कर सकते हो, वैसे वो बात मजा नहीं आएगा। मैं बताने को बता दूंगा लेकिन उससे कोई वो मतलब उसका वो पावर नहीं है। ठीक है, हर चार्ट
कॉम्बिनेशन अलग होता है, तो उस हिसाब से चीजें जैसे जैसे चार्ट आता है बताता रहता हूँ। वो चीज आप अलग अलग करके आप यूज कर सकते। सर रेमेडी के लिए कोई किताब वगैरह है? कोई किताब कुछ नहीं है। रेमेडी मैंने आपको क्या बताया, आपको प्लैनेट पता होना चाहिए, आप खुद भी रेमेडी बना सकते हो। अब सिंपल मैं बताता हूँ केतु का एक और रेमेडी, ठीक है? बातों बातों में जब चीज याद आती तब बता सकता हूँ ना मैं। अच्छा, हमें पता है, आप सिर्फ ये चीजें मेरी बातों को ध्यान से सुना करो। हाँ। मैं तो बोलता हूँ कि कौन से ग्रह किसके साथ दोस्ती बढ़िया बन रही है जी। मैंने आपको बहुत पहले बताया था केतु शुभ तो गुरु शुभ, गुरु शुभ तो सूर्य भी शुभ, ठीक है? इन तीनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो अब आप देखो कि केतु जो है, मैंने आपको बताया था छोटा सा छेद है जी, ठीक है, छोटा सा छेद जिससे हवा पास हो जाए, ठीक। केतु को अच्छा करने के लिए आप कान में राइट कान में छेद कर सकते हो और उसमें एक सोने का रिंग डाल लो। अच्छा, उससे भी केतु की रेमेडी हो जाती है। अरे अच्छा, ये तो जेंट्स कर सकता है ना, लेडीज तो दोनों कानों में तो छेद ही रहते हैं ना। ठीक है, सोने से छिदवा के उसी, अगर हो तो उसी, वैसे उसी सोने से तो हम पहन ही सकते। जनरली पहले क्या होता था, जिस सोने से छिदवाते थे वही सोना पहना देते थे। तो सोने से छिदवा के सोने का रिंग पहन लो राइट कान में, वो भी केतु की रेमेडी है। अच्छा, जो भी ये लड़का कर लेगा तब भी उसके लिए काम करेगा। जैसे लेकिन इसके लिए ना करे तो ये बेहतर है, वो उसका केतु सातवें में है ना, आठवां के ले रहा है, तो ये ना करे तो बेहतर है। लेकिन मतलब केतु की ये भी रेमेडी होती है, केतु मतलब जिसका अच्छा है वो अगर ये काम करे तो उसके लिए बढ़िया है जी, उसके लिए ज्यादा बढ़िया है। तो ये भी केतु के मतलब आप सोचें कि छोटे मोटे टोटके हैं, लेकिन केतु के आर्टिकल्स डोनेट करो, केतु के स्टार लॉर्ड के आर्टिकल्स डोनेट करो वो भी चलेगा, या स्टार लॉर्ड का आर्टिकल नहीं कर पा रहे हो तो उसके सब लॉर्ड का आर्टिकल डोनेट करो, क्योंकि केतु तो उसी के हिसाब से चलेगा ना अपने स्टार और सब लॉर्ड के। तो ये लॉजिक बना के चलो, या तो फिर ठीक है। अब जैसे इनके चार्ट में केतु किसका है, मरकरी है, तो हमने मरकरी का डोनेशन बताया इनको। मिट्टी का बर्तन बिना पका हुआ वो भी आर्टिकल है, कच्चा घड़ा। एक एक कॉलर, ठीक है, ओके सर। तो सर मैंने एक पूछना था। हम्म, वो लास्ट टाइम मैं अपनी बेटी के बारे पूछा था ना कि मार्च उसका फर्स्ट हाउस में है बट भाव चलत में वो ट्वेल्थ में है, मुझे उस दिन उसका मिला नहीं था। तो फिर मैं वही कंटिन्यू करूं उसकी रेमेडी, सन को पानी देना है, रेड फूल का वो, बिल्कुल वो कंटिन्यू कीजिए। ओके ठीक है। वो कंटिन्यू कीजिए। ओके, मैंने आपको पहले का बता दिया था इसीलिए मैंने बोला मेक श्योर कर लो। नहीं नहीं, वो कंटिन्यू कीजिए। तो एक आप बोलते थे कि आप वो बताएंगे सन के हिसाब से कौन सा है और नौ पंचम जो। हाँ राइट राइट राइट, ये आप मेरे को नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होते ही याद दिलाना है। ये बताना जरूरी है, इससे आप 5 मिनट में निकाल लोगे कि कौन से रिश्ते से अच्छे चलेगा। सर आप लास्ट टाइम ही बोल रहे थे कि भाई सन जहाँ पे बैठा है वहाँ से अपन अपने जो रिश्तेदार है उनका रिलेशन कैसा रहेगा, उनका बिहेव कैसा रहेगा, वो देखने वाले थे। हाँ वही मैं बता रहा हूँ ना, वो क्लास स्टार्ट होते ही आप मेरे को बता देना सर, नेक्स्ट टाइम वहाँ से शुरुआत करेंगे सर अपन। हाँ एक ना पंचम वाला वो भी उसी दिन बताएंगे। हाँ वो उसी के इसी से कनेक्टेड है वो। ओके ठीक है। उससे आप कोई भी ग्रह, उसमें दो तीन चीजें मेरे को बतानी पड़ेगी आपको। एक तो मैं आज बैठ के, आज मेरे को टाइम लगेगा रात को, तो आज बैठ के मैं मूल त्रिकोण वाला वीडियो बनाना है आप लोगों के लिए, ठीक है जी। आपको पता चलेगा कौन सी मूल त्रिकोण राशि होती है, क्या होता है, ठीक है। वो जो है वो नॉलेज आपको उस क्लास में जरूरत होगी। ओके ठीक है, तो वो वीडियो मैं आज बना के पब्लिश कर दूंगा।
एक सर मैं वो जो बेटी का मैंने आपको दिया था आज डेट ऑफ बर्थ जी, तो वो आप सेटिंग वाला जरूर शेयर करना, मैं किसी का भी निकालती हूँ तो वो मेरे रॉन्ग आते हैं। अभी बेटी का तो मेरा सारा चार्ट ही रॉन्ग निकला है, उसका जो असेंडेंट है वो फोर्थ राशि आई जो मैंने निकाला, पता नहीं ऐसा क्यों मेरा रॉन्ग आता है। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, बाकी मैं एक डेवलपर से भी बात कर रहा हूँ, तो शायद उनका कुछ सॉफ्टवेयर आ रहा है, तो वो भी काफी चीप एंड बेस्ट सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, अगर वो आएगा तो मैं बात करके वो भी आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा, या तो आप डायरेक्ट उससे परचेज कर लेना या मेरे से परचेज कर लेना सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये मेरा फिर मैं इसीलिए जब प्रैक्टिस करती हूँ तो वो मुझे अच्छे से पता ही नहीं, दिमाग में डाउट रहता है, बट जैसे अभी बेटी का तो बिल्कुल मेरा रॉन्ग निकला है। या तो फिर मैं आप एक काम करो, एस्ट्रो सेज में जाके बना लो, एस्ट्रो सेज, ओके, एस्ट्रो सेज ऑनलाइन है उसमें बना लो, उससे आपको चीजें सही आ जाएंगी। एस्ट्रो स्टेज में ये कहा देते सर, वो आगे कुछ देते नहीं है, सिर्फ वो हाउस सिग्निफिकेटर देते। नहीं कोई बात नहीं, वो तो हाथ से निकाल लोगे ना, हाउस सिग्निफिकेटर डिटेल्स। हाँ ओके ठीक, बट वैसे इतना गलत जी आना नहीं चाहिए, पहले तो दूसरों के सब लॉट रॉन्ग थे, इसी का तो सारा चैरिटी रॉन्ग है, पता नहीं मैंने क्या कहीं गड़बड़ कर। मैं अभी एक वीडियो बनाता हूं, मैंने भी इंस्टॉल नहीं किया है उसको केपी स्टार 1 काफी दिन से, तो आज इंस्टॉल करके दोबारा कॉन्फिगर कर एक वीडियो बना लूंगा। चलेगा तो सर हम तो देख लेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं पूछ सकता हूं आपको? हां हां पूछिए। आपने जैसा ये रेमेडी से कनेक्टेड है, कोई पहले किसी एक लेक्चर में आपने मुझसे कहा था कि आप रिस्ट में धागा बांधोगे तो वो प्लैनेट वहां पे मूव हो जाता है। हाँ, तो वैसे अगर मुझे समझो लग्न में कुछ मूव करना है प्लैनेट, या गले में मूव करना, या सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, तो वो कैसे क्या सीक्वेंसेस होते हैं बॉडी पार्ट के हिसाब से? जैसे जो 7th हाउस में शिफ्ट करना है, 10th हाउस में शिफ्ट करना है, 12th हाउस में करना है, तो उसका भी कुछ है सिस्टम है उसका? वो मैं जैसे हम बॉडी पार्ट बताएंगे उस बॉडी पार्ट में आप कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे आपको कोई छठे घर में मूव करना है तो राइट पॉकेट में डलवा दो वो चीज। अच्छा अच्छा, एक रन थ्रू दे देंगे क्या, मतलब समझो फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस कैसे? हाँ चलो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे इसको। ठीक है, ओके सर, हाँ थैंक यू सो मच, ओके थैंक यू सर, थैंक यू सर, गुड डे, ओके। अब तो अगली बार से यही लिंक रहेगा, आपको 8:30 इसी लिंक पे ज्वाइन करना है। ठीक है सर, रहेगा, मैं इसी को पे कर देता हूँ, इसी को कंटिन्यू करेंगे, चलेगा सर। ठीक है, थैंक यू सर, ओके जी, इसका वीडियो भी सर भेज दो ना। हाँ भेजता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू, गुड डे, चलो बाय बाय मैडम, बाय बाय, ओके। என்ன